खेती में काम करते हुए मेरे दोनों भाई। और नहीं जाते जाते यहाँ पर ककड़ी चोरी जा रही है बटोर से रहे यार ते फटाफट तो दांत कर ना चला ना जन्म के बेटे खेतों में काम करते हुए मजन न चला लागी। गाइस ये किसान के बेटे ज्वार बाजरा काट रहे हैं। बाजरे थोड़ी क्यों क्या है ये मिके की बेटे तुम लगा रहा तुमका पता नहीं तुम लगा रहा तुमका पता नहीं ये है रकुन है वही थे आधे लिंग का लागने है गन आधे ना है ए किसान के बेटे काम करते हुए थका लग गए आप बता रही है ना काम करने में दांत कर दिल फटाफट इधर कुछ फटाफट कर बटोर से रहे यार ते फटाफट तो दांत कर ना चला ना जन्म के उसको दे दादा को देखते सही कितने फटाफट काट रहा है दादा आदत गए खेती में काम करते हुए मेरे दोनों भाई किसान के भाई ना गुची वो गुची ला काम करना देखे बेल क्या ऑप्शन है कौन का सो बिन से बिना सोटी इनको रखने से रख दिए सो लागते रहे ना ये मैं ही हो आखिर उस पे अरे बिन क्या चलो फिर तुम लोग काम करो मैं जा रही हूँ खाना बनाने भाई अब गिराना मत मैं क्यों गिराऊँ तुझे आज गाइस गाइस मेरे दोनों भाई खेतों में काम करने में लगे हैं तो ये होता है किसान के बेटे बाहर को जॉब करते हैं हाँ पैसा तो पतना तो गाइस ऐसे करते हैं बाहर को जॉब भी एंड खेतों का काम भी ये खेतों में भी करते हैं बाहर भी मैं खाना पीना बनाती हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरी बन रही है आलू और बेसन की सब्जी तो इसके बाद बनाती हूँ पूरी क्योंकि मेरे भाई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं खाना बनाती हूँ तो बनने वाली है बहुत ही टेस्टी सब्जी देख सकते हो ना पिन्ने गुची की नहलाई यहाँ पर हो गई जाने की तैयारी ये भैया जा रहे हैं नीतू नहीं जा रहा है दादा जा रहे हैं जा रहा हूँ मैं आज हमारे दादा जा रहे हैं आज ये बता दे आज बड़ा वाला भाई जा रहा है देश प्रदेश एंड दो दिन के लिए आया था वहाँ पर ककड़ी तोड़ रहा है मम्मी लोग सब सामान वगैरह लेके चले गए हैं तो रोशन का अगर क्या है ने अरे दांत का तस्सा बड़ी ला वाह 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 वो चिल्ला लागली हूँ चिल्ला दांत के ककड़ी चोर नहीं जाते जाते यहाँ पर ककड़ी चोरी जा रही है अल्लाह खाबर जो एक है तो यहाँ पर अभी सभी तैयार हो रखे हैं वो कहाँ गया अंदर अब आज तक हम देर ना होने उन्हें जाते जाते ना गई ककड़ी चोर के गया वो हमारा ककड़ी चोर निकल गए हैं हमारे भाई लोग और अब हम अपने काम पे लग जाते हैं और इस बार बहुत पिछले बार मदर्स डे के बाद आज
एक साल बाद, एक डेढ़ साल बाद पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुए हम डेढ़ साल बाद। नहीं तो जॉब के कारण ऐसा ही हुआ। गुची को मेरे कपड़े खींचने हैं, देखो। चलो गुची को खाना देते थे, आ जा गुची। तो अब देखते हैं, भाई तो अभी छोटा भाई एक दो दिन और रुकेगा, वो उसको चंपावत तक छोड़ने जा रहा है, और बड़ा वाला भाई चले गया है। कैसा लगा आपको, आपके दोनों लड़के आए थे? अच्छा। आज बड़ा बेटा चले गया है? अच्छा अच्छा, बड़ा बेटा चले गया। अच्छा। हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है डेयरी से। आज हमारी मित्रा आई है, तो हमने सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गाइस, पुष्पारा झुकेगा नहीं सर, मम्मी का नाम है इसकी, मम्मी का नाम है मेरी भाभी जी हुई, तो वो झुकेंगी। हेलो गाइस, तो गाइस ये देखो, अब बुआ जा रही हैं घर को और मैं भी जाने लग गई हूँ उनके साथ। आज मैं दूध पहुँचाने के लिए गई थी। इसकी ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है। पिछले साल यहाँ हम बहुत लेट पहुँचे थे, तो इस बार भाई छुट्टी आया है, तो हम उसकी छुट्टी का फायदा उठाते हुए, मांगने का तो नहीं काट रही, खेतों खेतों का काट रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ से पूरा घास काटना है इसलिए उधर जाने तक, तो मैं अभी जा रही हूँ घास काटने के लिए। और भैया को यहाँ पर मैं ओड़े बताने के लिए आई थी। यहीं से हुआ हाँ, ये सब हुआ काट काट से। और इसको गुची को देखो कितने दूर आए हैं। तो गाइस अभी मैं जहाँ पर आई हूँ अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पे है, घर का घास छोड़ दिया है क्योंकि भैया जो है मांगे में नहीं काट रहा है, मांगे में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, वहाँ पर मैं काटूँगी। तो जब तक यहाँ पर आज ही आज के लिए है, तो ये इसने जितने भी खेत है खेत का निपटारा कर जा रहा है ये खेतों में, क्योंकि जल्दी भी होती है, ताकत कम लगती है, लेकिन फिर मेरा सारा मांगे में काटना होगा। मैं बैठ गई हूँ छाया में, ये यहाँ पर चाची लोगों ने लुट्टा लगाया था इसी की छाया में, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। यहाँ पर गुची भी बैठ गया है, आराम फरमा रहा है। मम्मी घास आ रही है, मुझे भी ले जाना है। तो थोड़ी देर में अपने नेटवर्कों का चेकिंग कर रही थी, क्योंकि ना मेरे में जो नेटवर्क है, नेटवर्क मेरा नीचे स्लो चल रहा है बहुत, एंड ना मेरा 4G 5G नहीं चल रहा है। सो गाइस यहाँ मैंने पूरा मुंह कवर कर लिया क्योंकि धूल इतनी हो रही है, और ये घास है, घास को मैं इस रस्सी में 10 मुठे तक बांध के ले जाती हूँ। इसको रखेंगे हम भेड़े में, बिछाएंगे, क्योंकि यहाँ से सर में रखने के लिए सही होता है, तो मैं पूरी बीठी लगा के